स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कोमा सिक्स में। मैंने आपको लास्ट टाइम एक टॉपिक कराया था बैंक रिकंसिलेशन, और मैंने आपको बोला था कि एक आपका डेप्रिसिएशन और बिल ऑफ एक्सचेंज दो तीन छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनमें से एक एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आज मैं आपको डेप्रिसिएशन के बारे में बताऊंगी कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, कौन कौन से इसके मेथड हैं, और जर्नल एंट्री क्या बनती है, और कैलकुलेशन पेपर में किस तरह से आ जाती है। देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए कोई भी एक प्लांट एंड मशीनरी है, मान लो प्लांट एंड मशीनरी, ये प्लांट एंड मशीनरी मैंने परचेज करी है। तो अब प्लांट एंड मशीनरी मैंने परचेज की इसकी, हाँ पता लगा कि हाँ भी बहुत बढ़िया सी है, तो अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। अब डेप्रिसिएशन क्यों लगाना है, मैंने मशीनरी को यूज ही नहीं करा एक साल तक, 1 ईयर तक, क्या डेप्रिसिएशन लगना चाहिए? दूसरी कंडीशन है कि मैंने 1 ईयर तक इसको कंटिन्यू यूज करा, तो दोनों ही हालात में क्या डेप्रिसिएशन लगना चाहिए? डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। हो सकता है कि उस एक साल के दौरान में मॉडल ही चेंज हो गया हो, मॉडल चेंज हो गया, वैल्यू कम हो गई, तो जो वैल्यू कम होगी पर्टिकुलर किसी आइटम की लगातार यूज़ करने से, या टाइम ड्यूरेशन आउटडेटेड होने से, या नया मॉडल अपग्रेड होने की वजह से जो पुरानी मशीनरी है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो वो जो कम होती है ना वैल्यू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको ह्रास। हिंदी में ह्रास बोलते हैं कि ह्रास हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, वैल्यू कम हो गई। अब ये डेप्रिसिएशन अकाउंट कौन सा है, पहले तो ये देख लीजिए अकाउंटिंग पर्पज से, फिर मैं इसके मेथड बताऊंगी और इसकी जर्नल एंट्री कैसे बन सकती है पेपर में, वो भी आने के चांसेस हैं। एक मिनट रुकिए आप। देखिए, एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, ये फिर या फिर हमारा रियल अकाउंट है। तो डेप्रिसिएशन सबसे पहले तो हमारा लॉस है, या फिर हम इसे एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। क्यों एक्सपेंस है या लॉस है? क्योंकि इससे हमारी मशीनरी की या हमारे फर्नीचर की, हमारे एसेट की वैल्यू कम होगी। जो चीज़ ऐसा खर्चा जो हमारी एसेट को कम करता है, वो तो फिर हमारे लिए लॉस ही हो गया ना। तो अब क्या है जी, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट, ये क्वेश्चन आ सकता है कि डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। इसकी एंट्री क्या होगी? अगर मान लो मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा तो मशीनरी की वैल्यू कम हो गई। मान लो 50,000 की मशीनरी है और हमने हमने 10% इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो 5,000 पे डेप्रिसिएशन हो गया, तो क्या एंट्री बनेगी? ये बनेगी जी डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू, किसकी वैल्यू कम हो गई? प्लांट एंड मशीनरी की। टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 5,000, ये इसकी एंट्री बनेगी। नॉमिनल अकाउंट है और इसकी एंट्री ऐसे बन सकती है। और इसके रीज़न क्या हैं? रीज़न यही है, या तो लगातार यूज़ किया जाए, या फिर इसका मॉडल चेंज हो जाए, या फिर टाइम के दौरान जो है, मतलब कि इसको लगातार हम जब यूज़ करेंगे तो वो उसमें तो घसावट तो आएगी, यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल सी बात है। ऐसा तो नहीं है ना कि भी अगर वो घस गई है मशीन तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, मशीन की वैल्यू तो कम होगी। अच्छा, और कई बार क्या होता है कि हम अपना अपग्रेड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम है ना अभी पुरानी सारी भी जितनी भी मशीनरी है उनको चेंज करना चाहते हैं, तो अब क्या करेंगे? अगर चेंज करें तो भी वैल्यू कम होएगी इसकी जब हम इसको सेल करेंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन का ही एक पार्ट है। अब ये कैसे कैसे कैलकुलेट होता है? जनरली तो ये 8 टाइप से हैं इसकी कैलकुलेशन, लेकिन हम लोगों को 8 टाइप से करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमारे पेपर में हमेशा ही 2 टाइप से पूछा जाता है, वो कौन कौन से हैं और उसको क्या क्या नाम बोला जाता है वो मैं बताती हूँ आपको। एक तो है जी स्ट्रेट मेथड।
स्ट्रेट मेथड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स रेट मेथड भी बोलते हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलेंगे इसको। स्ट्रेट है या फिक्स है या इक्वल इंस्टॉलमेंट बन गई इसकी, मान लो 4,000 पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, हर साल 4,000 ही लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपका, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, देखिए ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से हो सकता है। मान लीजिए कि एक मशीनरी हमने खरीदी, हमने मशीनरी खरीदी 40,000 रुपीज़ की, मशीनरी खरीद ली, 5,000 रुपये उसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्ज लग गया, प्लस हो जाएगा, फिर उसके बाद 5,000 रुपये फ्रेट लग गया या फिर उसका कैरेज लग गया, तो एक्चुअल में मशीनरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50,000। और अब इसकी स्क्रैप वैल्यू बताई हुई है, मान लीजिए स्क्रैप वैल्यू है 10,000 और इसकी जो लाइफ वैल्यू है वो है जी 10 साल, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। मैं दोबारा से बता रही हूँ, मशीनरी है जी 40,000 की, 5,000 रुपये इसके ऊपर लग गया जी इंस्टॉलेशन चार्ज, इंस्टॉलेशन चार्ज यानी कि इंस्टॉल करी है, और 5,000 रुपये इसके ऊपर लग गया फ्रेट, तो टोटल मशीनरी की वैल्यू हो जाएगी 50,000। और अब ये कह रहे हैं कि 10 साल इसकी लाइफ वैल्यू है, यानी कि ये मशीनरी 10 साल तक चल सकती है, तो लाइफ साइकिल बोल देते हैं, लाइफ ईयर भी बोल देते हैं इसको, लाइफ साइकिल, लाइफ ईयर या फिर लाइफ वैल्यू ईयर, कुछ भी बोला जा सकता है। ये है जी 10 ईयर, और स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू का क्या मतलब होता है, कबाड़, कबाड़ बोलते हैं हम लोग स्क्रैप को, मतलब क्या हो गया कि हम ये मान के चलते हैं जब हमने कोई भी मशीनरी परचेज की थी ना, मशीनरी परचेज करी, तो उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। जीरो कैसे हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो उसमें लोहा कबाड़ कुछ तो बचेगा, और वो हम लोग जब बेचेंगे तो वो भी तो उसकी वैल्यू हो गई ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मशीनरी आपकी बिल्कुल जीरो हो गई। क्या मशीनरी में से कुछ भी नहीं बचा, मान लीजिए आपने एक एक्टिवा ली या आपने कोई भी स्कूटर लिया और आप उसको आराम से चला रहे हो, पता लगा मशीन उसने मिस्त्री ने जवाब दे दिया कि अब है ना आपकी एक्टिवा चल ही नहीं सकती, बस इसमें जितनी कैपेसिटी थी ना वो हो गई, तो क्या हम उसको जीरो मान लें, कबाड़ी तो उसको खरीद लेगा, लोहे के भाव तो बिक जाएगी, प्लास्टिक के भाव तो वो बिकेगी ना, तो वो जिस भाव में बिकती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू। अब ये जो स्क्रैप वैल्यू है ये बताई हुई है 10,000 रुपये, और हमने डेप्रिसिएशन निकालना है तो हमने क्या करना है, मशीन की टोटल कॉस्ट, उसके अंदर इंस्टॉलेशन है चाहे फ्रेट दे रखा है, सबको हमने ऐड कर लेना है, 50,000 ऐसे निकल आया ये। उसके बाद क्या करना है, माइनस में स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ साइकिल, लाइफ ईयर, फॉर्मूला है जी टोटल कॉस्ट, पेपर में आ सकता है आपका, माइनस में स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ईयर, ये आ गया जी हमारा डेप्रिसिएशन। 50,000 में से 10,000 लेस करेंगे तो 40,000, 40,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा, ये हमारा जो फॉर्मूला हो गया ये वाला। उसके बाद 10,000 का तो स्क्रैप वैल्यू हो गई, 10 साल तक ये चल जाएगी मशीनरी, 40,000, और बाकी का जो 10,000 का है वो 10,000 की बिक जाएगी मशीन, ये निकालना है। ये तो है जी स्ट्रेट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोल देते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल मेथड, फिक्स मेथड, फिक्स रेट मेथड, ठीक है ये हो गया। अब मैं आपको एक बार और भी बता देती हूँ कि और कैसे क्वेश्चन आ सकता है, और राइट डाउन मेथड क्या होता है।
इसमें एक बार पिछले बार क्वेश्चन आया हुआ था आपका, लगभग मैं उसी तरह से एक क्वेश्चन बताती हूँ कि वही 4,000 का ये मैंने डेप्रिसिएशन बता दिया आपको, 50,000 की मशीनरी है, कि 2 साल के बाद हमारी मशीनरी की वैल्यू क्या है। मान लीजिए वही वाली स्टेटमेंट है कि 1 अप्रैल 2019 को हमने ये मशीनरी खरीदी थी 50,000 की, हमने डेप्रिसिएशन लगाया इसके ऊपर 4,000 अभी हमने निकाला था, अब 2 साल के बाद हमारी मशीनरी की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे हमने पूरा का पूरा लेज़र नहीं बनाना, और ना मैं आपको लेज़र बनाना सिखाने वाली हूँ अभी, क्योंकि लेज़र बनाने एक नंबर के क्वेश्चन में अगर हम लोग लेज़र बनाना सीखेंगे तो कोई समझदारी वाली बात नहीं है। शॉर्टकट में आपने क्या करना है, 2 साल का डेप्रिसिएशन लगाना है, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 4 × 2 हो जाएगा, 8,000 का आप लोग डेप्रिसिएशन निकालो और हमारी वैल्यू हो गई जी 42,000 की वैल्यू आ जाएगी 2 साल के बाद। लेकिन कई बार एग्जामिनर इतना सीधा क्वेश्चन भी नहीं देता, वो क्या कर लेगा, वो ये कहेगा कि मान लो जैसे 50,000 की मशीनरी है, डेप्रिसिएशन लग गया 1 साल, और अगले साल 2020 में, 2020 के अंदर क्या हुआ जी, अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को मशीनरी सेल कर दी, तो मशीनरी की वैल्यू कितनी है, ऐसा भी आ सकता है। तो 50,000 के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया 1 ईयर का, 4,000 हमारी मशीनरी की वैल्यू आ गई 46,000। अब कह रहा है वो 6 महीने के बाद, ये तो हमारी वैल्यू आ गई 1 अप्रैल 2020, और 1 अक्टूबर 2020 को हमने मशीन सेल कर दी, हो सकता है वो वैल्यू भी बता दे, पहले हम इसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल लेते हैं फिर प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे। मान लो उसने बोल दिया कि 40,000 की हमने मशीनरी बेच दी, तो कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट हुआ ये भी पूछ लेता है वो। तो अब 1 अक्टूबर 2020 को डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, तो डेप्रिसिएशन देखिए 46,000 है, ये हो गया हमारा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, पहले लग रहा था 4,000 अब लगेगा 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये हमारा क्या है जी, डेप्रिसिएशन लग जाएगा। डेप्रिसिएशन हमने लगा दिया यहाँ पे 2,000 डेप्रिसिएशन लग गया, तो मशीनरी की वैल्यू आ गई जी 44,000, लेकिन हमने कितने में बेच दी, हमने बेच दी 40,000 में, बाय बैंक आ जाएगा इधर, 40,000 में बेच दी जबकि वैल्यू थी 44,000 पे, तो 4,000 रुपये क्या हो जाएगा हमारा लॉस हो जाएगा, वो इस साइड आ जाएगा हमारा। तो इस ढंग से हम लोग इसको दिखा सकते हैं कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे कितने चले जाएंगे, 4,000 रुपये। इस तरह के क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एक क्वेश्चन और करा देती हूँ आपको ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से कन्फर्म हो जाए। मशीनरी खरीदी 40,000 की और डेप्रिसिएशन है जी 10%, यानी कि वही 4,000 हो गया, 4,000 मशीनरी परचेज करी है आपने 1 अप्रैल 2017। उसके बाद हमने क्या किया, हमने किया 1 अक्टूबर को एक और मशीनरी परचेज कर ली, एक और मशीनरी परचेज कर ली हमने 20,000 की, तो अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, तो डेप्रिसिएशन 6 मंथ का लगेगा, इस पर 4,000 है 10% के हिसाब से, तो हम लोग क्या करेंगे 10% पहले डेप्रिसिएशन लगाएंगे 2,000 रुपये, और उसका हम लोग हाफ कर देंगे, 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन लग जाएगा, ये 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन आ गया। मशीन की वैल्यू पूछी जा सकती है कि मशीन की वैल्यू कितनी है, 19,000 वैल्यू आ जाएगी, हो सकता है वो अगले साल का पूछ ले बैलेंस कितना है, तो फिर हम करेंगे 19,000 को यहाँ लेके डेप्रिसिएशन लगा देंगे जी इसके ऊपर 2,000, और मशीनरी की वैल्यू आ जाएगी 17,000 रुपये। ये हमारी एट प्रेजेंट मशीनरी की वैल्यू है जो वो पूछना चाह रहा है। तो इस तरह से भी आ सकता है कि बीच में कभी भी मान लो अक्टूबर में खरीदी, या हो सकता है जुलाई में अगस्त में कभी भी, तो हमने उतने ही महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है और एग्जैक्ट में मशीनरी की वैल्यू बता देनी है। और अगर वो सेल कहता है तो वो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद
जितने में मशीनरी सेल करी है, अगर वो ज़्यादा में करी है तो प्रॉफिट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, और अगर कम में करी है तो लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, आया समझ में आपको? ये है जी आपका स्ट्रेट वाला। अब मैं आपको डिमिनिशिंग का बता देती हूँ। पिछली बार मेरे ख्याल डिमिनिशिंग का आया हुआ था एक क्वेश्चन। दूसरा मेथड है जी राइट डाउन। राइट डाउन मेथड, जिसे हम लोग डिमिनिशिंग डिमिनिशिंग मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि स्ट्रेट नहीं लगता जितना डेप्रिसिएशन है। कि मान लो वो ये कहते हैं कि जब हमने 1 साल मशीनरी को यूज़ करा, तो मान लो वही 40,000 वाला एग्जांपल है कि 4,000 पे हमने डेप्रिसिएशन लगाया, तो आज हमारी मशीनरी की वैल्यू तो 36,000 है। आप कैसे कह सकते हो कि हम लोग डेप्रिसिएशन 40,000 पे लगाएं, एक्चुअल में मशीनरी की वैल्यू तो 36,000 है। तो अगली बार मान लो 10% ही डेप्रिसिएशन है, तो अगली बार जो डेप्रिसिएशन है वो लगेगा 3600 रुपये, 36,000 के ऊपर। ये होता है राइट डाउन, मतलब जैसे जैसे डेप्रिसिएशन है वो कम होता जाएगा। 0 0 फिर 10 में से 6 गए 4, 5 में से 3, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। और अगली बार जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा जी आपका 3240। ये हो जाएगा। ये ऐसे वैल्यू पूछी जा सकती है कि भी राइट डाउन में क्या होता है। राइट डाउन में क्या है कि जैसे जैसे मशीनरी की वैल्यू कम होती जाएगी, डेप्रिसिएशन भी उसके ऊपर कम होता जाएगा। राइट डाउन बोला जाता है, डिमिनिशिंग मेथड बोला जाता है। डेप्रिसिएशन में इतना ही है, जर्नल एंट्री मैंने आपको बता दी। अच्छा, एक जर्नल एंट्री और है कि हमने मशीनरी सेल कर दी और मशीनरी की एक्चुअल में जो वैल्यू है, मान लो वही 44,000 रुपये वैल्यू थी मशीनरी की, और हमने 40,000 में उसको सेल कर दिया। तो अब जर्नल एंट्री क्या बनेगी? तो जर्नल एंट्री बनेगी जी बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 4,000 टू मशीनरी अकाउंट। कितने की मशीन थी? 44,000 की। ये हो जाएगा जी आपका, ये आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी कि 44,000 की मशीन है और डेप्रिसिएशन लगाने के बाद वो 40,000 की बिक रही है, तो ये हो जाएगा इसका। ठीक है, और अगर हम ये कहें कि डेप्रिसिएशन इतना लगा और मशीनरी की वैल्यू अब बताओ कि कितनी होगी, ऐसा भी हो सकता है। मान लो मशीनरी की वैल्यू थी हमारी कितनी, हमने मशीनरी खरीदी थी मान लो 46,000 की, 2,000 पे डेप्रिसिएशन लगा था, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। 46,000 की मशीन हो गई, 2,000 रुपये डेप्रिसिएशन हो गया और प्रॉफिट लॉस हो गया 4,000 का, और बैंक में आए हैं जी हमारे 40,000। ये हो गया 46,000, ये भी हो गया 46,000। ऐसे भी कर सकते हो, ये भी पूछी जा सकती है कि इतनी मशीन की वैल्यू है 46,000, डेप्रिसिएशन लगा 2,000, प्रॉफिट एंड और बैंक में आए इतने, तो कितने का प्रॉफिट होगा और जर्नल एंट्री कैसे बनानी है, तो ये भी देख लेना। बस इसमें से तो लगभग यही इस तरह का क्वेश्चन ही आ सकता है। या तो जर्नल एंट्री पूछी जा सकती है, प्रॉफिट एंड लॉस वाली जर्नल एंट्री पूछी जा सकती है, या फिर इनका नाम और मशीनरी की वैल्यू कि ये इस टाइम में परचेज करी थी, इतना डेप्रिसिएशन लगा, आज उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आप देख लेना, लगभग इससे ज़्यादा नहीं आने वाला आपका। डेप्रिसिएशन में पिछले जितने भी आए हुए हैं उनमें लगभग यही है, तो प्रैक्टिकल आता है या थ्योरी आती है, एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा इसमें से। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।